अच्छा जी चले गेस करें जी, डैश मेरी ना सुने, डैश की मैं ना सुनूं, डैश मेरी सुने, डैश का मैं क्या करूं, डैश का मैं क्या करूं। हुकूमत सिंध मेरी ना सुने, मैं उसकी ना सुनूं, उसने जगह जगह गड्ढे कर दिए शहर में। वो हुकूमत ने शहर में नहीं किया, वो उस मुजफाती इलाके में की जिसका नाम लेते हुए आप डरते हैं। आजकल तो यही चल रहा है कि पीडीएम मेरी ना सुने, पीटीआई मेरी ना सुने, मजाकरात का कुछ भी ना हो। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुजाकरात अहमी में लगे रहो, कोई गाल नहीं, मजाक रात है वो, मजाक वाली रात है। डॉक्टर साहब की कराया है तुसी? डॉलर की मैं ना सुनूं, डॉलर मेरी ना सुने, डर क्या करे। डॉक्टर वैसे जो हो रहा है, चलें ये तो एक हो गया। शहजाद आपने जो पीएम हाउस में टाइम गुजारा था, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात होते हैं पावर कॉरिडोर में, आपके साथ भी हुए होंगे? मेरा हमेशा से एक मानना रहा है, पुराने पाकिस्तान, पहले के पाकिस्तान में जो हम पढ़ते हैं तो आप बड़ी कैटेगोरिकली चीजें देख लेते हैं, यानी दस्तखत इंसान उर्दू में करता था, बड़े बड़े अगर आप पर्सनालिटीज़ को देखें तो उनका जो सिग्नेचर था वो उर्दू में था। तो मैंने ये नोट किया कि छोटे घरों में बहुत बड़े लोग पैदा होते थे। वाह, वक्त गुजरते हुए मैंने ये देखा कि बहुत बड़े बड़े घरों में बहुत छोटे लोग पैदा होना शुरू हो गए। इसी तरीके से जब मैं एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो बाकी सब मिनिस्टर्स इनक्लेव में रहते थे, मैं पीएम हाउस में ही रहता था, वहाँ दो स्विच थे, एक में मैं था, तो मैं ज़रा ज़्यादा देखता था चीज़ें। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने बहुत छोटे लोग वहाँ देखे, ये इसके गिर्द, क्योंकि देखें दुनिया का कोई जो हेड होता है ना, वो अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके वजीर यानी एडवाइज़र्स अच्छे या बुरे होते हैं। मैं हैरान हो गया, मेरा पहला ही हफ्ता था, एक बहुत बड़ा नाम बहुत मीडिया में आते हैं, उसको जब ये पता लगा कि पीएम आने वाला है, वो बच्चों की तरह लोगों के पैरों को कुचलता हुआ, छलांगे मारता हुआ सबसे आगे खड़ा हुआ, और तब मुझे अंदाजा हुआ ये कितने छोटे लोग। मुझे वहां किसी ने कहा, मेरी बेहतरी के लिए उसने कहा कि मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी जरूर दें। उसने कहा यार देखो तुम्हें यहाँ रोज नजर आना चाहिए। तो मैं कहा यार मैं नजर आने के लिए तो नहीं आया, मेरे काम को नजर आना चाहिए। बोला नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे। तो कहने का मतलब है, तब मुझे पता लगा कि ये जितनी खराफात हैं सिस्टम में वो हैं। फिर मैंने किसी को हंसते हुए कहा, किसी ने कहा अच्छा तो फिर आप अपनी याददाश्तें मेमोर्स लिखेंगे। मैंने कहा इतना अरसा तो मेरा नहीं, लेकिन पैम्फलेट एक दिन जरूर निकालूंगा, वो जरूर निकालूंगा। तो उसमें भी आप नाम नहीं लेंगे, उसमें कामरान खान लिख देंगे? नहीं, बड़ी अच्छी बात, आपको बात बताऊं, मुझे लग रहा है आपकी इस्लाह की जरूरत है। आप मिजा के नाम पे शायद इस बहाने में कर देता हूँ। सच बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने आप से शुरू करना चाहिए। सच का मयार होता है, किसी को ये कह देना तुम बदसूरत हो, होगा तो सच ही लेकिन दिल आजारी होगी। तो नाम लेना दुनिया का सबसे आसान काम है, अपने बारे में सच बोलना सबसे मुश्किल काम है, याद रखिएगा। और ये पैमाना जब आपको, आप एक उम्र के हिस्से में आएंगे आपको समझ आएगा। आई टोटली एम्पथाइज विद यू, यू आर अ कॉमिक गाय, यू सपोज टू फाइंड लाफ्टर एंड हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, लेकिन जो सवाल इन्होंने पूछा ये अलमिया है और रोने का मकाम है, लिहाजा मैं नहीं हंस पाऊँ। लेकिन हमने एक अंग्रेजी में मुहावरा सुना हुआ है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आई ट्रूली एग्री। तो उसकी जो कीप्स थी, नहीं कंपनी थी सर। आप देखें डॉक्टर साहब मजाक के नाम पे अब आप पर्सनल ना हो जाए ना उधर से, कंपनी जो थी। हाँ कंपनी, वो तो खुद ही उन्होंने डिसाइड, हालांकि कंपनी वाले सर वो दूसरे ट्विन शहर में बैठे होते हैं। डॉक्टर साहब बड़े लोगों की गलतियां भी बड़ी हुआ करती। वाह वाह वाह। तो आई थिंक ये एक सोशल फिनोमेना है वर्ल्ड ओवर। आप दुनिया की तारीख पढ़ लें और आप दुनिया के अंदर कहाँ पे जहाँ पे कोई फ्रॉम रेवोल्यूशन टू चेंज एनीथिंग यू रीड, यू विल रियलाइज कि ये ही एक वो फैक्टर होता है, पिवट जिसको कहते हैं, जो आर या पार कराता है किसी नेशन को। तो हमारे यहाँ भी बहुत हुई हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जितना उनको वो करते हैं ना, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने देखा। आपने मोकल देखे वहाँ पे कोई? ये सवाल अगर आप मोकलों से पूछे, मैं कोई जिन से कम हूँ या वो बता रहे होंगे यार हमने इधर भी एक देख लिया, अब हम तीन हो गए। तीन हो गए यानी दो थे। मैं कह रहा हूँ मिसाल है। अब इन्होंने भी हो सकता, इन्होंने आपको क्यों दे दिया था कि मिनिस्टर था और बदसूरत था, अब आपने गैस करना है, ब्रेक में बताना। लेकिन इन्होंने बोला भाई तुम कॉमिक हो, लेकिन मैंने पीएम हाउस में तुमसे बड़े कॉमिक देखे। हाँ ये मैं किसी हद तक अग्री करूंगा आपसे, लेकिन अफसोस है, ब्रेक से पहले अफसोस है, जो कॉमिक्स है ना उनके पैसे आपके टैक्स से जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट, मुझे इसका अफसोस है। वाह वाह वाह, मुझे इसका अफसोस है।